आइए हम लोग भजन संहिता 91 की पद संख्या 1, साम्स चैप्टर 91 वर्स 1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, मिसा बोले बैठा रहे, मतलब बैठ के चला नहीं जाए, बैठ के चला नहीं जाए। जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमेन। तो पिछले हफ्ते से रिवीजन कर देते हैं, पहले मिसा बोलेंगे गुप्त स्थान। परमेश्वर सब जगह है लेकिन सब जगह उससे मिलने की नहीं है। सब जगह क्यों है? क्योंकि आप उसकी प्रेजेंस से कहीं छुप के नहीं भाग सकते। आमेन। और जो गुप्त स्थान में लोग रहते हैं उनका दिल थोड़ा कोमल रहता है। मेरे साथ बोलेंगे कोमल। अब कोमल दिल वाले यू आर रॉन्ग से पहले आई एम सॉरी बोलते हैं। मैंने पिछले हफ्ते बताया था ना, पत्नी से लड़ाई हुई और आदमी गया ऐसे गुप्त स्थान में, बोले प्रभु उसको सबक सिखाइए, और थोड़ी देर बाद आके बोलता आई एम सॉरी। ये पॉसिबल कहां है? गुप्त स्थान में। क्योंकि अगर कोई गुप्त स्थान में नहीं रहेगा तो उसका दिल हमेशा कठोर रहेगा। परमेश्वर सब जगह, लेकिन सब जगह मिलने की जगह नहीं। आमेन। गॉड से मिलने की एक सीक्रेट प्लेस होती है, और जो परम प्रधान की छाया में बना रहता है, जो वहां ढका रहता है, जो वहां छुपा रहता है, जो वहां बैठा रहता है, मतलब ये एक पोजीशन है जहां आदमी निरंतर, मैं सब बोलेंगे निरंतर, मतलब ये एक जीने का तरीका है जहां एक आदमी निरंतर गॉड के प्रेजेंस में, उसके सीक्रेट प्लेस में बैठता है। आमेन। मैंने पिछले हफ्ते क्या बताया था कि हर कोई आपको लाइफ में फ्रस्ट्रेट कर सकता है, हर कोई लाइफ में, और चारों ओर हम लोग के फ्रस्ट्रेटेड लोग ही भरे पड़े, जिनको हंसना तो दूर, वो आपको रुला देंगे दो मिनट में अपनी स्टोरी सुना के, उनके पास इतने गम है। बट अगर आपको फ्रस्ट्रेशन से बचना है तो एक जगह है, कौन सी जगह? हो गुप्त स्थान। हर कोई फ्रस्ट्रेटेड, हर कोई लड़ रहा है, हर कोई दुखी है, हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, जीवन से संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ भी संतुष्ट नहीं करेगा आपको, कुछ संतुष्ट नहीं करता है। पैसा संतुष्ट नहीं कर सकता, आपका औहदा संतुष्ट नहीं कर सकता। आपको लगे बड़ा परिवार हो जाएगा हम संतुष्ट हो जाएंगे, ये मृग तृष्णा तो बचपन से हम लोग इसको देख रहे हैं। स्कूल में लगता है कॉलेज में आएंगे तो मजा आएगा। कॉलेज में ज्यादा था, स्कूल बेटर था, राइट? फिर मृग तृष्णा हमको दिखाई देते, अरे नहीं तू पैसा कमाओ तो मजा आएगा। फिर कैसे कमाते हैं तो फिर वहां भी मजा नहीं आता। फिर मृग तृष्णा की लड़की जीवन में आएगी या लड़का आएगा जीवन में तो शांति आएगी और पूरी बर्बादी आ जाती है उसके बाद। नहीं आती, नहीं आती, बोल दीजिए नहीं आती। फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को निजी रूप से जानता है, उसको समझ में आना पड़ेगा कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर हम गॉड की प्रेजेंस में, उसकी प्रेजेंस हमको सेटिस्फाई नहीं करे तो। जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में बैठा रहे वो जो वहां निरंतर पाया जाए। आमेन। और लाइफ में अगर किसी को आगे बढ़ना है उसका एक कॉस्ट होता है। आमेन। अगर आपको अपने लाइफ में सेटिस्फाइड रहना, अपने पर्पस को पूरा करना है, उसका एक कॉस्ट है। अब पहले तो बता दो, स्पिरिचुअली न्यूट्रल रह के दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। आत्मिक रूप से न्यूट्रल, न्यूट्रल समझे नहीं समझे, मतलब आप आत्मिक रूप से अगर जीरो हैं, आप ना नेगेटिव साइड में ना पॉजिटिव साइड में लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि जीवन में, इस पृथ्वी में जितने लोग ऊंचा जाते हैं वो आत्मिक कारणों से जाते हैं, जितने लोग आगे बढ़ते हैं वो आत्मिक कारणों से बढ़ते हैं, भले ही वो शैतान की आत्मा से बढ़े, भले ही वो दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आगे बढ़े, ये सब कुछ आत्मिक जगत में ही होता है, आत्मिक जगत के सहारे ही होता है। उसी तरीके से अगर प्रभु के बच्चों को नहीं समझ में आए कि गॉड के प्रेजेंस में रहने वाला कभी भी अनफुलफिल्ड नहीं रहता, अनसेटिस्फाइड नहीं रहता, आमेन, फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहता, बिटर नहीं रहता। आई चैलेंज यू, अगर आपको बिटरनेस की प्रॉब्लम है, आप गॉड के प्रेजेंस में आने की कोशिश करें। पहले तो उस बिटरनेस के साथ आप आ नहीं पाएंगे, और आपको यही समझ में आएगा ये बिटरनेस ही मेरे को रोकती है। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर हम वहां रहना सीख जाए, मैं इस कठोरता से हमको छुटकारा मिल जाएगा। मेरे साथ बोलेंगे गुप्त स्थान,
जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहता है। इसीलिए एक एटमॉस्फेयर आदमी के लाइफ में क्रिएट होता है, एक लोकेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि ये टाइम है मेरा गॉड के साथ, इस टाइम में मेरे को समय बिताना है। आमेन। लोकेशन मैटर्स। मैं सब बोले लोकेशन मैटर्स। कोई महंगी चीज समा मार्केट से खरीदी है, एकदम रैप्ड आती है ना। सस्ती चीज मार्केट से खरीदो जो रस्ते में बैठते हैं, उसमें खाली प्लास्टिक का कवर रहता है, ऐसे फाड़ो। और प्लास्टिक और फाड़ने में अंदर पूरा दिखता है क्या। लेकिन वो महंगी चीज लो, वो बहुत कवर्ड होती है, ये खोला वो खोला, ऐसा फेंका इस ऊपर उसको, लगा इतनी छोटी सी चीज इतनी बड़ी पैकिंग। वैल्यूबल चीज छुपा के रखी जाती है। आमेन। गॉड की प्रेजेंस इसलिए छुपी है कि कोई उसको सीक करे और गॉड अपने आप को अनवेल कर पाए, गॉड अपने आप को रिवील कर पाए। जितने लोगों ने गॉड के दर्शन किए वो कभी भी एक जैसे नहीं रहे। आमेन। जितने मैन ऑफ गॉड दिखेंगे वो गॉड के प्रेजेंस में बैठने वाले लोग। यू कैन नॉट रिमेन द सेम। आप एक जैसे नहीं रह सकते अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहे तो। इसलिए परमेश्वर छुपे किस लिए, कि कोई खोजे, कोई खोजे और गॉड अपने आप को उस पर प्रकट करे। उस पर सोचिए आपकी प्रॉब्लम। मैंने पिछले बार जो सीरीज थी अय्यूब की सीरीज याद है, और मैंने अय्यूब की सीरीज बताया। अय्यूब क्या था? फ्रस्ट्रेटेड अय्यूब था, दुखी अय्यूब था, नाराज। और अय्यूब एक के बाद एक के बाद एक गॉड पे, गॉड से क्वेश्चन कर रहा है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और गॉड जब बोलते हैं तो अय्यूब क्या हो जाता है? खामोश, चुप। उसके पास सब कुछ बोलने का नहीं, बिकॉज नाउ गॉड हैज स्पोकन। और मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या बोलते मायने रखता है? आपकी पत्नी क्या बोलती मायने रखता है? आपके घर वाले क्या बोले मायने रखता है? क्या कभी आपने परमेश्वर से पूछा, प्रभु आप क्या बोलते हैं? क्या आपने कभी पूछा, प्रभु आप मेरी लाइफ के बारे में क्या बोलते हैं? ये जो लोग है ना जो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, ये वही लोग है ना जो दूसरों से सुन के अपनी लाइफ की फाउंडेशन खड़ी करते हैं। लेकिन जो गॉड से सुनता है उसके लिए मैटर नहीं करता लोग क्या बोलते हैं, बिकॉज ही नोज गॉड क्या बोलते हैं। कोई आपको हो सकता है बोलता है आई हेट यू, क्योंकि तो तुम किसी लायक नहीं हो। लेकिन एक बार गॉड की प्रेजेंस में जो बैठता है वो अपनी लाइफ को परमेश्वर में समझने लग जाता है। आमेन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैटर करता है गॉड क्या बोलते हैं? परमेश्वर ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब परमेश्वर बोलते लोग चुप हो जाते हैं। आमेन। और मेरा आपसे सवाल, कब लास्ट परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए आपको एक वर्ड दिया था? आपने सबकी सुन ली गॉड क्या बोल रहे। सोचो ऐसा कोई परमेश्वर जो अपने आपको रोशनी में छुपा देता है। आप अंधेरे में चीजें छुपाते हो ना, बट बाइबल कहते गॉड इज लाइट, परमेश्वर रोशनी है, उसमें कोई अंधकार नहीं। सोचो एक ऐसा परमेश्वर जो रोशनी में छुपा हुआ है। अंधेरे में चीजें खोती है ना, अंधेरे में चीजें छुपी रहती है, बट सोचो परमेश्वर जो रोशनी में छुपा हुआ है। बोलो मुझे गुप्त स्थान में प्रवेश करना है, मुझे गुप्त स्थान में बैठना है। वो चर्च नहीं है, कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। लोग चर्च में होते हैं लेकिन उनकी लाइफ में ग्लोरी का जी भी नहीं होता, महिमा का म भी नहीं होता, सूखे होते। आपके माइंड में ये बात घुस जाए, एक लोकेशन है, एक और उस लोकेशन में अगर आप रहेंगे आपकी लाइफ फॉरएवर चेंज हो सकती है। आमेन। कई आपको सक्सेस का सीक्रेट समझ में आ जाएगा, सेटिस्फेक्शन का सीक्रेट समझ में आ जाएगा, जॉय का सीक्रेट समझ में आ जाएगा, हर परिस्थिति में शांत होकर रहने का सीक्रेट समझ में आ जाएगा। आमेन। क्योंकि एक प्लेस है, मैं सब बोले एक प्लेस है, और बहुत कम लोग उस प्लेस में जाते। बहुत से लोग है सेवा में भी है लेकिन प्रभु की प्रेजेंस को ठीक से नहीं जानते, प्रभु के गुप्त स्थान में उन्होंने प्रवेश नहीं किया है। प्रभु ये देखिए गाना अलग बात है ना, मैं आता हूं अति पवित्र स्थान में, प्रभु बोले पिछले 5 साल से तुम इसको देखे नहीं है, यहां ये खाली गा ही रहा है। इसलिए कई लोग इतने चीजों से ऑक्यूपाइड है कि उनके पास टाइम नहीं है गॉड के लिए टाइम निकालना। कोई ऐसी चीज दी है कि ऐसे ही प्रवेश कर जाओ, उसके लिए टाइम एनवायरमेंट लोकेशन मैटर करती है। आमेन। कई लोग जब हम हंग्री होते हैं, जब हम डेस्परेट होते हैं, हम अपने लाइफ में एक एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं। कई लोग आपको क्या मालूम है, एक ब्रोकन हार्ट
देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, एक ऐसी कंडीशन जो हेल्प करेगा, लेकिन एक ऐसे लोग जो रहते हैं उनकी वही कंडीशन रहती है, जो प्रभु के प्रेजेंस में निरंतर रहते हैं वो ब्रोकन लोग होते हैं, टूटे हुए लोग होते हैं। जो प्रभु के प्रेजेंस में रहते हो कैसे लोग रहते हैं? टूटे हुए लोग रहते हैं। जो प्रभु के प्रेजेंस में नहीं होते कैसे रहते? कठोर लोग, ब्रोकन। मिनिस्ट्री इम्पॉसिबल है बिना टूटे, क्रिश्चियन लाइफ इम्पॉसिबल है बिना ब्रोकननेस के। आमेन। अगर हम ब्रोकननेस में नहीं चल रहे तो हम सब समय दूसरों की कमियों पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जब ब्रोकननेस में चलते हैं तो हम खुद रियलाइज करते हैं हम कितना गिरे हुए प्रभु की प्रेजेंस से। आमेन। हमारा खुद का हार्ट इतना सॉफ्ट रहता है, हमारा खुद का हार्ट कितना मर्सीफुल रहता है। दूसरे क्या बोलते हैं आपने सुन लिया, बट हैव यू टेकन टाइम प्रभु क्या बोलते हैं आपके बारे में? सोचिए आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। कब लास्ट प्रभु ने आपसे आपके भाग्य के बारे में बात किया? कब लास्ट आपको आपके भाग्य को लेकर कोई सपना आया था? कब लास्ट आपको लाइफ में वो डिटेल रिवील हुई थी जो गॉड ने आपके लिए प्लान किया? ये डेंजरस सिचुएशन है अगर आप चर्च में बैठते हो और आप अपनी डेस्टिनी को रियलाइज नहीं करते। ये डेंजरस सिचुएशन है अगर आप चर्च में बैठे हो और गॉड आपसे बात नहीं करते। ये डेंजरस सिचुएशन है आप सपने देखते हो और आपका भाग्य आपको रिवील नहीं होता। ये डेंजरस सिचुएशन है अगर आपकी दो आंख है और आप अंधेरे में चल रहे हो तो दैट इज अगेन अ स्पिरिचुअल कंडीशन। कहां जा रहे हैं नहीं मालूम, क्या करना है नहीं मालूम, क्यों जी रहे नहीं मालूम, यहां बैठे भी क्यों है नहीं मालूम। बट जो निरंतर प्रभु की प्रेजेंस से बैठा रहता है वो अंदर से ट्रांसफॉर्म होता है। यू नो, मैं बोले यू नो, आपको कुछ बातें मालूम है। कौन बताया मालूम नहीं, कैसे मालूम ये भी नहीं मालूम। आई जस्ट नो। अब मैं ये पूछ रहा हूं, अगर हम दुनिया वालों की तरह स्ट्रगल करें और हमको खुद भी नहीं मालूम हम क्या कर रहे हैं, ये डेंजरस सिचुएशन है कि नहीं? कब बात किया था लास्ट प्रभु ने आपसे? क्या वर्ड था 2019 में प्रभु का आपको? आप 2020 में जा रहे हो, क्या इरादा है आपका? जी रहे हैं कुछ इस तरह? किसी ने पूछा नहीं, हमने बताया भी नहीं, चल रहा बस चल रहा है। सीक्रेट प्लेस में से बोलो, सीक्रेट प्लेस एक प्लेस है, प्लेस है जहां आदमी ड्वेल कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो साम 91:1 में ये लाइन लिखी नहीं रहती। खाली जिसका भूत का प्रॉब्लम है उसको साम 91 देने से कुछ नहीं होगा। पास्टर लोग सबसे पहले साम 91 लर्न करा रहे, जिसका भूत का प्रॉब्लम है साम 91। अरे वो वहां रहता ही नहीं है, वो उसकी प्रोटेक्शन ही नहीं है, वो उसकी ब्लेसिंग ही नहीं है। वो जो गॉड की प्रोटेक्शन में रहता है, वो जो सीक्रेट प्लेस में रहता है, इज कवर्ड, ही इज। सोचो रात को तुमको शैतान खोजने आया तो मिले ही नहीं, कवर्ड। सोचो प्रॉब्लम तुमको खोजने आई तुम मिले ही नहीं, कवर्ड। सोचो दिन में उड़ता हुआ तीर तुम्हारे पास आया, वो ऐसे खोज रहा है तीर। हम जिसके लिए आए वो कहां है? कवर्ड। ये प्रोटेक्शन उसकी है जो उस प्रेजेंस में डेली रहता है। आमेन। जो वहां ड्वेल करता है, कभी आके चर्च में थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेना एक अलग चीज है, बट अपने लाइफ में वैसा एक एनवायरमेंट क्रिएट कर देना जहां निरंतर गॉड के साथ सहभागिता में है, उसके सीक्रेट प्लेस में, दैट इज अनदर थिंग ऑल टुगेदर। आपको मालूम है आज कितने लोग घमंड में मर रहे? और मैं चर्च के बाहर की बात नहीं कर रहा, कितने लोग घमंड में बर्बाद हो रहे हैं। हमको बताओगे? हाँ तुमको बताएंगे। हमको? हाँ तुम्ही को। हमको? हाँ तुम्ही को। आप, हम पाप में, और आपकी हिम्मत, आप बता दी हम पाप में, मतलब आप बाइबल प्रीच कर लोगे, आप इतना कठोर मैसेज प्रीच कर लोगे कि हमको हर्ट होगा। हम यहां कंफर्टेबली रहने आए कि नहीं? हम चर्च में इसलिए आए कि हमको कोई कंफर्टेबल करे। आप कैसे ऐसा मैसेज प्रीच कर रहे हैं जिससे हमको बहुत तकलीफ हो रही है, तो हम क्या करेंगे? चर्च बदलोगे या तो खुद बदलोगे, क्योंकि तुम ब्रोकन नहीं हो। कई लोग घमंडी हैं। क्या है? क्या है? हमेशा घमंडी लोगों की प्रॉब्लम भी घमंडी होती है, ढीठ लोगों की प्रॉब्लम ढीठ होती है, बदमाश लोगों के डीमन भी बदमाश होते हैं।
टेढ़े लोगों के साथ सीधी चीज होती ही नहीं है। घमंड अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। सोच के देखो, अगर मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन ठीक नहीं है और हम एक ऐसी जगह में बैठे हैं जहां परमेश्वर बात कर सकते हैं और हम सुन के भी नहीं सुन पा रहे, क्या रोकता है? मेरी हार्डनेस, मेरे दिल की कठोरता, मेरे दिल की, मैं यही तो पूछ रहा हूं, कब लास्ट परमेश्वर ने आपको अपने आप को रिवील किया था? मालूम है, जब परमेश्वर किसी को अपने आप को रिवील करते हैं, उसको परमेश्वर तो दिखते हैं, अपने आप के बारे में भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है। नहीं समझो, अरे हाय, हमने तो बहुत लोगों को चंगा किया है, हमने तो कंकाल पे हाथ रखा, वो भी चंगा हो गया, मान के चलो, हमने तो कब्र से उखाड़ के निकाल दिया मरो को, दो झापड़ मारा वो जिंदा हो गए, हमने लाखों करोड़ आत्मा को बचाया। और फिर जब ग्लोरी आ जाती है, बोलते प्रभु, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी, लॉर्ड तुमको मालूम है हमने क्या काम किया। आई मीन, आदमी की पहचान कई बार उसने क्या बड़े काम किए, कितने प्रभु के सेवक लोग हैं उनकी पहचान उन्होंने क्या किया उसमें बन जाती है कई बार। तुमको मालूम नहीं हमने कितने दर्शन देखे, तुमको मालूम नहीं हमने कितने लोगों को चंगा किया, तुमको मालूम नहीं हम कितने देश गए। डेविड क्या, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, यहां बहुत से लोग हैं आफ्टर गॉड्स ओन मनी, प्रभु का अभिषेक, कई लोगों को प्रभु की दया थी, लेकिन एक आदमी था परमेश्वर के दिल से जुड़ा हुआ। वो पांच मिनट बाद आके बोलता है कि हम कुछ भी करते हैं उसकी बुनियाद है प्रेम। क्या आप अमीरों को जाके बोलोगे यीशु के पास जाओ, यीशु आपको पैसा देंगे? एक आदमी जो देशों में घूम चुका है उसको आप बोलेंगे अरे प्रभु ने हमको देशों में, बोलेंगे तुम कितने देश गए थे? क्या हम प्रभु में इसलिए आते? मैं यही तो पूछ रहा हूं, जब आदमी का दिल कठोर होता है उसको अपनी आत्मिक परिस्थिति नहीं मालूम होती है। लेकिन जब एक आदमी, मैं बोलता कितनी बड़ी बड़ी बात कर लो, जब गॉड की प्रेजेंस आएगी ना, मुंह नहीं खुलेगा। जितने लोगों ने परमेश्वर के दर्शन किए उनको मालूम चल गया, ओह कितने गिरे हुए हम उसकी महिमा से कितने रहित थे। जैसे कई बार बोलते पाप पश्चाताप करो, नहीं नहीं ऐसे पश्चाताप नहीं होगा, जब गॉड की प्रेजेंस कई लोगों को रिवील हो जाएगी उनको खुद समझ में आ जाएगा कितने बड़े पापी है। और परमेश्वर, क्योंकि जब दिखेगा परमेश्वर इतने पवित्र है, हमेशा बोलो पवित्र है, तब अपने आप समझ में आ जाएगा हम कितने अपवित्र हैं। तो सोचो, कोई डेली अगर गॉड के साथ उस प्रेजेंस में रहता है उसका हार्ट कैसे सॉफ्ट होता होगा, क्योंकि उसका भरोसा वो क्या कर रहा है उसमें नहीं है, उसका भरोसा उस पे है जिसमें उसने अपना ईमान डाला है। घमंड कितनी डेस्टिनीज को बर्बाद कर रहा है, घमंड कितनी लाइफ को, आप हमको बताएंगे और तो किसको, तुमको ही बताएंगे और किसको बताएंगे, काम ही हमारा बताना। आपके लिए कुछ कठिन सवाल है, अभी तक कर चुका हूं, अपने आप से पूछिए, लास्ट कब प्रभु ने आपसे आपके बारे में बात किया था? बोले अरे हम तो विश्वासी, हमको क्यों टूटने की जरूरत है, संतों को भी जरूरत है टूटने की, विश्वासियों को भी एक टूटा मन चाहिए, प्रभु आपसे बलिदान नहीं चाहते, प्रभु मेरे से बलिदान नहीं चाहते, एक टूटा दिल परमेश्वर को योग्य बलिदान है। आमेन। कई लोग इस मिनिस्ट्री में आते हैं और फिर उनको बहुत सारा टूटना फ्री में मिलता है, प्रॉब्लम मिलते है, क्या मिलता है? आप देखेंगे आप जितना विनम्र होते हैं अगल बगल वाले और उतने ही कठोर हो जाते हैं, आपको उल्टा सीधा सुनना मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। मैं बोलूंगा आशीषित है आप, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आप ब्रेक होकर गॉड की प्रेजेंस में रहना सीखते हैं। मैं यही पूछता हूं ना, क्या सक्सेस है, क्या एक आदमी का सक्सेस, आप अगर प्रभु में भी हो क्या सक्सेस है? अमीर बन जाना है, प्रसिद्ध बन जाना, देशों में घूम लेना, पॉकेट में पैसा होना, बहुत से लोग पॉकेट में पैसा लेके नर्क जाए गए, बहुत से प्रसिद्ध लोग नर्क में, बहुत से अमीर लोग महादुष्ट। तो आप क्या अमीर को जाके बोलोगे प्रभु के पास आओ तुमको पैसा मिलेगा? तुम भी सक्सेसफुल हो जाओगे? और मैं यही तो पूछ रहा हूं, आप अगर विश्वासी जीवन जी रहे हो, इरादा क्या है, क्या है आपकी पहचान, किसमें है, पैसे में है, आपके काम में है, आपके ओहदे में है? मैं से तो पूछता हूं, चलो ये टेस्ट, अगर आज रात को प्रभु आ जाए या आज रात को तुमको मरना हो, आर यू सेटिस्फाइड? अगर नहीं हो तो भूल जाओ। आप बताओ, अगर आपके पॉकेट में पैसा और आप लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसका मतलब ही आप परमेश्वर की इच्छा के बाहर हो। सोचो आप एक बड़े आदमी हो
और मन में कोई खुशी नहीं है, मैं चर्च क्या करने आता हूं भाई, किसके रास्ते सो तो मैं आता हूं, और प्रभु बोला इसको बंद करो यार, ये कहीं नहीं आते हैं। मतलब अति पवित्र स्थान में आना संभव है, मेरे सब बोलो संभव है। आमेन। यीशु के द्वारा हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जा सकते। सोच के देखो बाइबल हमको क्या रिवील कर रही है, एक स्पिरिचुअल लोकेशन है। सोचो आत्मिक जगत के बारे में सोचो, डीमंस हैं, एंजल्स हैं, अगर हम लोग एक दूसरे की आत्मिक दशा देखेंगे तो सब बेहोश हो जाएंगे। मतलब आत्मा तो अंदर है ना, बाहर क्या है, शरीर, इसलिए तो अंदर कोई देख नहीं सकता क्या है, लेकिन गॉड सीज यू राइट थ्रू, तुम कौन हो। आमेन। जब एक आदमी को एहसास हो जाता है हम गॉड की प्रेजेंस से कहीं भाग नहीं सकते, वो गॉड की प्रेजेंस पर रहना चालू कर देता है। आमेन। ये एहसास कि हम नहीं जा, परमेश्वर हर जगह देख रहे एक अलग बात है, लेकिन मिलने का एक अलग स्थान है। तुझे तुम मैं बोलो काला, कितना काला, बहुत काला, अंधेरा, मैं बोलो अंधेरा, कितना अंधेरा, बहुत अंधेरा, पर्दा, बोलो पर्दा, बोलो पर्दा, कितना पर्दा, मोटा पर्दा, वो उस अंधकार में भी छुप के कोई कुछ कर रहा है, गॉड वहां भी देख सकते हैं। इसे तो आदमी का कॉन्शियंस उसको तंग करता है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, फिर तुम हिंदू हो मुस्लिम हो से फर्क नहीं पड़ता, क्या तुमको तुम्हारे पाप का भार फील होता है अगर तुमको कोई नहीं भी देखा है तो, क्योंकि गॉड देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। कितने सोचो, एक आदमी ऐसे सोचो, एक आदमी दुष्ट, मैं सब बोलो दुष्ट, पापी, कठोर, वो एक अंधेरे स्थान में छुप के काम कर रहा है, कोई देख नहीं रहा, और प्रभु ऐसे पेट पकड़ के हंस रहे हैं, और एंजल करतार सिंह बोले इस मूर्ख का क्या करना है, इसने पढ़ा नहीं कि दाऊद ने क्या लिखा, भजन संहिता 139 में, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। ये पहले एक बिलीवर की लाइफ की फाउंडेशन है, उसको ये ट्रुथ मालूम है, तुम अकेले घर में बैठ के क्या कर रहे हो, परमेश्वर वहां देख रहे, उस प्रेजेंस का एहसास। और तो इसको दूसरे ढंग से भी देखो, ये कितना कंफर्टिंग है। कई बार मेरे को अब इतने चैलेंजेस आते, मेरे को मालूम है गॉड देख रहे हैं, परमेश्वर जानते हैं, अगर हम उस कॉन्शियसनेस में देखें, नहीं गॉड तो सब देख रहे, कुछ छुप रहा है, कोई डिटेल छुप रही है, पृथ्वी की शुरुआत से अभी तक कोई डिटेल छुपी है, तुम्हारी तुम्हारे पूर्वजों की कोई डिटेल छुपी है, तुम्हारे लाइफ की कोई माइन्यूट इंटीमेट डिटेल कुछ भी छुपी है, तुम्हारे हार्ट का कोई ऐसा विचार जो प्रभु से छुपा है, सीक्रेट प्लेस क्या है, निर्भरता की प्लेस है। एक आदमी को मालूम है कुछ भी सही नहीं है जब तक इस प्लेस में मेरी इस लोकेशन में मेरी प्रेजेंस सही नहीं है। आमेन। जब एक आदमी निरंतर प्रभु के गुप्त सामने बैठा हो, क्या बोल, लॉर्ड आई एम डिपेंडेंट, मैं आप पे निर्भर हूं, आपको ऊंचा जाना है टूटना जरूरी है, नीचा आना है कठोर होना जरूरी है, हो ही नहीं सकता कोई कठोर हो जाए, कोई घमंडी हो जाए और वो नीचे नहीं जाए, और हो नहीं सकता कोई व्यक्ति टूटे और वो ऊंचा नहीं जाए। आमेन। सोचो जब आदमी टूटता है, उसकी स्पिरिचुअल कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है कि गॉड उसकी लाइफ में काम कर सके, बट एक आदमी जो निरंतर गॉड की प्रेजेंस में रहता है वो कौन होता है, ब्रोकन पीपल। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं तुमको सेवा करनी है, सेवा करनी है तो प्रभु क्यों तोड़ रहे हैं, उसी तो तोड़ रहे हैं कि जब तुम सेवा में प्रवेश करो तुम्हारी निर्भरता केवल परमेश्वर पर रहे। प्रभु विनम्र करना जानते, प्रभु सोचो जब दाऊद पाप कर रहा था तो जब उसको आके नबी बताता है कि एक ऐसा एक व्यक्ति है उसकी भेड़ किसी ने चुरा ली, दाऊद कैसे गुस्सा हो जाता है, उसको अपनी कंडीशन खुद नहीं मालूम थी जब तक उसको गॉड ने रिवील नहीं की, और जैसे रिवील की वो क्या हो गया, देख क्या हो गया, दाऊद ने कम पाप नहीं किए, मर्डर भी किया, तुमने किया, लेकिन वचन क्या बोलता है, वो परमेश्वर के दिल से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। तुम अब क्या बोलो, हम रेप करें मर्डर करें परमेश्वर के दिल से जुड़ने के लिए, नहीं, ही वॉज अ ब्रोकन मैन,
आमेन। वही बोलते हैं ना, एक तो वो भजन संहिता 139 से बोल रहा है प्रभु की प्रेजेंस से हम कहां चुपके जाए, लेकिन वही एक आदमी है जो ब्रोकननेस को, उसको अपनी अपनी खुद की पहचान नहीं थी जब तक गॉड का वर्ड उसको नहीं आया। मैं सब बोलो गॉड का वर्ड, जब तक परमेश्वर का मैसेज उसको नहीं आया, ये आदमी होश में नहीं था इसको क्या कर रही है। सुनो सुनो ध्यान से, पुराने विधान में ध्यान से सुनो, अगर कोई आदमी पाप करता है क्या करता है, बलि चढ़ाता है। दाऊद ने चढ़ाई, दाऊद ज्यादा स्मार्ट है, वो गॉड को जानता था, वो इसलिए बोलता है टूटा दिल परमेश्वर को योग्य बलिदान है, परमेश्वर मेल बलि और होम बलि नहीं जान मानता है। सोचो देखा, एक आदमी इतनी बड़ी गलती किया, येट वो गॉड को जानता है और उसको मालूम है गॉड को क्या चाहिए। गॉड नीड्स अ ब्रोकन हार्ट, आमीन। जहां एक आदमी का ट्रस्ट बिल्कुल उसके अपने ऊपर नहीं है, अगर कोई और करता वो जाके मेल बलि और होम बलि चढ़ाता, बट डाउट का बोलता है टूटा मन परमेश्वर को योग्य बलिदान है। मैं सही बोल रहा हूं, हम में से कई लोगों की कठोरता हमारी जान ले रही है। तुमको कोई कितनी भी लानत दे दे, अगर तुम सीक्रेट प्लेस में रहते हो तुमको मालूम है गॉड क्या बोल रहे हैं। सीक्रेट प्लेस में रहने वाले लोग सुसाइड नहीं करते, डिप्रेस नहीं होते, फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहते। मैं सब बोलूं सीक्रेट प्लेस, गुप्त स्थान, कोई हो नहीं सकता जो कठोर हो वो ऊंचा जाते, कठोर लोग ऊंचा नहीं जाते, कठोर लोग सीधा नीचे जाते। मतलब एक परिस्थिति है दिल की जिससे डायरेक्ट गॉड लड़ते, परमेश्वर घमंडियों से खुद लड़ते, और एक ऐसा जन है जिसके लिए गॉड खुद सहायता करते हैं, वो एक ऐसा व्यक्ति जो टूटा हुआ है, जो विनम्र है, मैं जो डिपेंडेंट है गॉड, गॉड आई एम सो डिपेंडेंट ऑन यू। प्लीज अपनी अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाना है दूसरों को देख के। मैं हमेशा यहां सिखाता हूँ, दूसरे क्या करते भूल जाओ, दूसरा चर्च कितना बड़ा है, लोग कितने अच्छे कपड़े पहने, क्रिसमस में सेंटा अंकल के साथ कितना घूम रहे, इट डज नॉट मैटर। तुम्हारा गॉड के साथ रिलेशनशिप क्या है यही इन द एंड मैटर करता है। अरे दुकान वालों पे जब रेट पड़ती है डरते हैं ना, कभी मार्केट में देखा है जीएसटी वाले आगे कैसे डरते हैं, लेकिन एक आदमी खुद बोल रहा है सर्च मी ओ गॉड। फर्क है कि नहीं, कि तुम पे रेड मारा जाए एक अलग बात है, एक आदमी खुद बोल, देखो परमेश्वर को सब मालूम है, लेकिन एक बोले ओ प्रभु मुझे जांच। कभी किया डॉक्टर से ऐसे लाइट लेके, सोचो एक आदमी खुद बोल रहा है प्रभु मुझे जांच, मुझे देख, सच मी ओ गॉड। सोचो कितना खतरनाक है अगर एक आदमी को मालूम भी नहीं उसकी कंडीशन कैसी है, और एक यहां एक आदमी बोल रहा है प्रभु मुझे खोजिए, मुझे जांचिए, जो मेरे अंदर ठीक नहीं है उसको ठीक करिए ताकि मैं अनंत जीवन के मार्ग पे चल सकूं। और कई लोग कंसर्न नहीं है, गार्डेड है उनका हार्ट, बस रेड मारने की जरूरत है। सर्च में सब बोलो सर्च, ये सीक्रेट प्लेस सर्चिंग की, जो सीक्रेट प्लेस में रहता है वो अलाउ करता है गॉड सर्च कर, आमेन। सर्च मी गॉड। अब आदमी अपने आप सोचो कितनी कितनी कितने दुख की बात है, कोई आदमी अगर अपने आप से वाकिफ नहीं हो तो। कभी ऐसा हुआ आप बहुत बोल दिए, फोन रखे हो, सोचे हम कितना बोलते हैं, बहुत लोगों के साथ होता भी नहीं। कई बार ऐसा आपने किसी को बड़ी बात बोल दी और आप फिर डर के घूम रहे हो, ओ मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें करता हूं, नहीं समझ में। कई लोगों को मालूम ही नहीं दिन भर क्या बोलते, कितनी बड़ी बड़ी बात बोल देते, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी बोलता है लॉर्ड सर्च प्लीज मैं तो सर्च कर, लॉर्ड सर्च सर्च माय हार्ट, तो मैं दिल को देखिए, देखिए मैं सही जा रहा हूं कि नहीं। अरे हम तो चर्च जाते हैं हमको क्या, इसे सोचो ऐसी कंडीशन गॉड की प्रेजेंस को किसी के लाइफ में अट्रैक्ट करती है। सोचो हमें कुछ सोचो गॉड की प्रेजेंस भी अट्रैक्ट हो सकती है। एक आदमी अगर कठोर हो, मतलब हो नहीं सकता है कठोर व्यक्ति का गॉड के साथ अच्छा संबंध हो, लेकिन सोचो एक व्यक्ति ब्रोकन। इसलिए लाइफ में मैं हमेशा बोलता हारना बहुत जरूरी है, टूटना बहुत जरूरी है, अपनी कोशिश करके नाकाम होना बहुत जरूरी है,
आपको सोचा हम वहां पहुंच जाएंगे, हम बहुत खुश होंगे, वहां पहुंच के खाली हो जाना बहुत जरूरी है। कि इन द एंड एक प्लेस आती है वो, लॉर्ड आई एम सो डिपेंडेंट ऑन हिम, आपके ऊपर कितना निर्भर है। जब एक आदमी ऐसे टूट जाता है, गॉड की प्रेजेंस को अट्रैक्ट करता है। आमेन। प्रेजेंस वो नहीं गिर जाओ। कई बार हम सोचते अरे गॉड की प्रेजेंस से लोग गिर रहे, नहीं नहीं नहीं, गॉड की प्रेजेंस से दिल पिघल रहे, कुछ लोग अंदर से चेंज हो रहे, कुछ लोग को अपनी रियलिटी समझ में आ रही है, कुछ लोगों को अपने आत्मा की क्या कंडीशन है वो समझ में आ रही है, कुछ लोगों को गॉड की, मैं इसलिए बोल रहा हूं तुम बड़ी बात जितनी कर लो, जब गॉड की प्रेजेंस आएंगे हम देखते कौन क्या बोलेगा। हम लोग सब अपने मुंह छुपा के ऐसे, कोई गॉड की प्रेजेंस में ऐसे नहीं निकलता। जब प्रभु की प्रेजेंस आती है लोग मुंह छुपा क्यों कर लेते हैं, ग्लोरी वो होलीनेस। तो बाद में भी समझते किस चीज पर घमंड कर रहे थे हम, किस लिए इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। आमेन। तुम सोच के देखो, हम लोग हमेशा लोगों को बोलते पश्चाताप करो, लेकिन पीटर को किसने नहीं बोला रिपेंट करो। जब उसने यीशु की महिमा देखी, यीशु ने बोला जाल दाहिने ओर डालो, बहुत सारी मछली पकड़ी गई, खुद बोलता प्रभु मुझसे दूर है, मैं पापी आदमी। रेवलेशन ऑफ गॉड इक्वल टू सेल्फ रेवलेशन। जब तुमको परमेश्वर तुम पर प्रकट होगा तुमको मालूम चल जाएगा तुम, इसलिए तो कह रहे कई बार लोगों को बताने की, जब प्रभु की प्रेजेंस आते खुद लोग पश्चाताप करके अपना जीवन प्रभु को दे देते। अगर यहां कोई कठोर आज तो प्रभु उस कठोर दिल को तोड़े, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कंडीशन होती है जो गॉड की प्रेजेंस अट्रैक्ट करती है। अगर आप ब्रोकन, बहुत अच्छी जगह, आपने हजार गलती की, मुंह से आज तक सॉरी नहीं निकला, आप बोलते हैं हम बड़े स्पिरिचुअल है, बैठ जाओ क्या करो मुंह से सॉरी, अपनी गलती, हम अपनी गलती मान नहीं सकते हम अपनी गलती, तभी तो कई लोग पश्चाताप नहीं कर सकते। क्यों? उनको अपनी कंडीशन रिवील्ड नहीं है, उनको खुद नहीं मालूम वो नरक जा रहे, उनको खुद नहीं मालूम वो परमेश्वर के सबसे बड़े दुश्मन है, छोटे मोटे भी नहीं बड़े वाले, कौन से बड़े वाले। और बहुत से परमेश्वर के बड़े वाले दुश्मन चर्च में बैठे, अपनी ही कंडीशन नहीं मालूम, अपनी आत्मा की परिस्थिति नहीं मालूम। सोचो, प्लीज सोचो, घमंड से कैसे परमेश्वर नफरत करते। शैतान किस लिए स्वर्ग से फेंका गया है? प्राइस है, मैं सब बोले प्राइस, एक मूल्य, कुछ लोगों को मूल्य देते। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ सोचो, दाऊद में कोई बलिदान नहीं चला, स्मार्ट मैन, ये आदमी था जो परमेश्वर के दिल से जुड़ा हुआ था। अरे परमेश्वर के दिल से जुड़े लोग गलती कर सकते हैं, और मैं ये बोल रहा हूं दाऊद व्यभिचार किया, मर्डर किया, झूठ बोला, एक राजा होके परमेश्वर का अभिषिक्त होके, लेकिन जब उसने गलती की उसको उसकी पहचान कराई गई तो उसने वो दिया जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि शादी को मालूम था परमेश्वर क्या चीज पसंद करते। आमेन। सोच के देखो, वो उसके सारे इम्परफेक्शंस के बाद ही वॉज मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। सोचो, तुमको जीवन में जय पानी है, तुमने कभी किसी आदमी को ऊंचा जाते देखा है? उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है उस प्रकाशना का जो उस पर रिवील हुई है परमेश्वर के द्वारा। तुम सोचो, तुम प्रभु हमको आपके दर्शन करने, तुम फास्टिंग प्रेयर कर लो, हो सकता है प्रभु किसी दुष्ट को अपने दर्शन दे रहे जो मांग भी नहीं रहा है। समय में कुछ स्पिरिचुअल चीजों का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि मालूम है कि कुछ लोग कभी जानना ही नहीं चाहते प्रभु क्या बोलना चाहते। आप पास्टर के पास आते अपनी प्रॉब्लम लेके, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है गॉड क्या बोलते, गॉड का वर्ड क्या बोलते, बिल्कुल। मैं कई लोगों को जानता हूं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, और इनका जीवन जस का तस न तस न मस। सेम स्पिरिचुअल कंडीशन, दो साल पहले मिले वैसी, डेढ़ साल पहले मिले वैसी, छह महीना पहले मिले वैसी, ये अपनी प्रॉब्लम लेके आएंगे, सेम चीज। आप इनसे बात करो, थोड़ी देर में गुस्सा होकर फिर भाग जाएंगे। ये इंटरेस्टेड नहीं है गॉड क्या बोल रहे हैं, ये इंटरेस्टेड है ये क्या सुनना चाहते हैं, और फिर गॉड कैसे बात करेंगे। आपको मालूम है, अगर सबको एक्सपर्ट कमेंट्री चाहिए, राइट? अगर आप गॉड की कमेंट्री किसी सब्जेक्ट में सुन लेंगे, आप बहुत बोलना बंद कर देंगे। सोचिए किसी मैटर में गॉड क्या बोलते हैं, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, है? क्या इंपॉर्टेंट नहीं है गॉड से सुनना, गॉड आप क्या बोलते हैं? और कितने दुख की बात है, यहां भी कितने लोग बैठे हैं, आप प्रभु के लिए तैयार भी नहीं है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आपको सिर्फ अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहिए।
कुछ नहीं, यू आर आफ्टर गॉड्स ओन ब्रेक थ्रू। आप प्रभु के ब्रेक थ्रू से जुड़े हुए लोग, सिर्फ आपको ब्रेक थ्रू चाहिए। बस मेरी सिचुएशन चेंज हो जाए, मेरी 10 सिचुएशन हम चाहते चेंज हो जाए, लेकिन धन्य व्यक्ति जो सिचुएशन में चेंज हो रहा है। मैं फिर से बता दूं, यहां आज बहुत सारे लोग बैठे, आप प्रभु, और बहुत क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, आप प्रभु के आने के लिए तैयार नहीं, आप प्रभु के राज्य के लिए तैयार नहीं हो, आपको मतलब ही नहीं है प्रभु क्या बोलते हैं, आपको सिर्फ मतलब आप चर्च में आए थोड़ा अच्छा फीलिंग आना चाहिए, इस फीलिंग, ये फीलिंग आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगी। मैं वही बोलो, कई लोगों को मतलब ही नहीं है, उनके लिए प्रभु एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको एक जिन की जरूरत है। चर्चों में ऐसे लोग भरे पड़े, नरक जाओगे। मैं क्योंकि मेरे दिल में बाहर है, मैं जानता हूं कि चर्चों में ही लोग नरक जा रहे हैं, बाहर के हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है। उनको प्रभु नहीं चाहिए, उनको जिन चाहिए, तभी उनको भविष्यवाणी और चमत्कार बहुत अट्रैक्ट करते। लेकिन 10 साल, 5 साल, 15 साल उन्होंने गुप्त स्थान को नहीं जाना है, प्रभु की प्रेजेंस को नहीं जाना है, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, और उनकी सारी पहचान है प्रोफेसी में, चमत्कार में, चिन्ह में, और तभी ऐसे लोग भागते, कहां ज्यादा एंटरटेनमेंट मिल सके। आपको आगे बढ़ना है। कई लोग प्रभु को गुप्त स्थान में जानते हैं और उनको किसी बात की प्रकाशना है और उस बात को लेकर दौड़ रहे हैं। अगर हम उनको देख के दौड़ रहे हैं तो हम नहीं दौड़ पाएंगे। कौन सुन रहा है मेरी बात को? तुम सोच को देखो, लाइफ के बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत सारे डायमेंशन को कैसे बोले, मतलब लाइफ को देखने के बहुत सारे ढंग है, लाइफ में बहुत सारी चीजें। कई बार प्रभु किसी को किसी डायमेंशन की कुछ ट्रूथ, सत्य रिवील करते, राइट? और तुम देखो उनकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। कई लोग जो गॉड की दया, हमेशा बोलो दया, सीक्रेट प्लेस उस दया का स्थान है। सोचो तुम देखो किसी दुष्ट को, ज्यादा तुमसे पाप किया, ज्यादा दुष्ट है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसी कंडीशन है कि वो प्रभु की दया को अट्रैक्ट कर लेता है। प्रभु की दया चाहिए, सीक्रेट प्लेस उस दया का स्थान है। हाँ, सोच के देखो, एक दुष्ट आदमी है लेकिन प्रभु के सामने नीवा होके आ जाए और प्रभु न्याय देख ही नहीं पा रहे, प्रभु उस पर सिर्फ दया से देख रहे। सोचो उसका बैकग्राउंड इतना बुरा, उसके 4 पीढ़ी खतरनाक, एक से एक पिछली पीढ़ियां खतरनाक, उसके ऊपर इतने श्राप, लेकिन फिर भी उसकी स्पिरिचुअल कंडीशन ऐसी है कि कहीं ना कहीं से प्रभु की दया खींच ही लेता है वो, इसलिए लाइफ में कॉपी पेस्ट काम नहीं करता है। लाइफ में नहीं तो हम लोग सबसे पढ़ते हैं अब्राहम का परमेश्वर, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, मतलब पिछली जनरेशन ने जिस गॉड को जाना, अगली जनरेशन भी उस गॉड को जानती, उसके अगली जनरेशन का भी वो गॉड पर्सनल गॉड बन गए। बोलो महान, महानता, महानता सीक्रेट प्लेस से निकल के आती है। आमीन। बाइबल में कहानी पढ़ो, वो लोग जो ग्रेटनेस अचीव किए वो कौन है? वो जो सीक्रेट प्लेस से निकल के आ रहे। इसलिए कई हमें से कई लोगों को अपने आप को बाद में, आप प्रभु को बाद में जानना, पहले अपने आप को जानना जरूरी है। लेकिन वो भी कैसे संभव है? प्रभु की प्रेजेंस में ही संभव। सोचो आप 21 दिन प्रेयर चालू किए अपने ब्रेक थ्रू के लिए, लेकिन 3rd डे आप गॉड की ग्लोरी एक्सपीरियंस कर लिए, और उसके बाद से ब्रेक थ्रू नाम की कोई चीज, आपने शब्द का नाम ही नहीं लिया 21 दिन तक, आप सिर्फ टूटे दिल से प्रभु को प्रार्थना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रभु के प्रेजेंस में आपको अपनी लाइफ की रेवलेशन मिल गई। तुम अगर सीक्रेट प्लेस में, तो प्रभु को तो मेरा भरोसा, आई ट्रस्ट इन यू, वो जॉय की जगह, वो जो तुमको जैसे जॉय का फुहारा मिल जाएगा, तुम्हारी, तुम देखोगे कंडीशन से तुम्हारी खुशी को लेना देना है ही नहीं। तुम चाहते हो तुम्हारी तुम्हारी जो परिस्थिति है और तुम्हारे आनंद का, दुख का डिवोर्स हो जाए, हो जाए ना, तो कैसे होगा? जब तुम सीक्रेट प्लेस में गॉड के जॉय को जानने लगोगे, वो तुम जब उस ट्रस्ट के प्लेस में आ जाओगे, बोले नहीं प्रभु, मेरा ट्रस्ट आप पे, आई ट्रस्ट इन यू लॉर्ड। मैं बोलो गुप्त स्थान, ये टूटे रहने की जगह है, ये प्रभु की दया का अनुभव करने की जगह है, ये रेस्ट की जगह। मैं बोलो रेस्ट,
भजन संहिता 27:13-14, तब एक आदमी मूर्छित होने से बच गया क्योंकि उसने परमेश्वर की भलाई को देख लिया। कितने लोग हैं मूर्छित हो रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ जा रही है, वो रिवाइव नहीं हो पा रहे, उनको कंफर्ट नहीं। अच्छा लाइफ में कहीं कंफर्ट है, लेकिन एक प्लेस है, कंफर्ट की प्लेस है। आमेन। जितना बदहाल हो, जितना परिस्थिति बर्बाद हो, जितनी होपलेस सिचुएशन हो, एक प्लेस है कंफर्ट की जगह। जब आदमी उसे जाता उसको राहत मिल ही जाती। वो मुझे शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता। मरने नहीं देंगे प्रभु आप। हाँ, इससे कई लोग वेट करते हैं। किसका? गॉड का वेट। पूछे मैं क्या करूं? वेट। सीक्रेट प्लेस में जाके गॉड का वेट। लोग क्या बोलते हैं? ठीक है। प्रभु क्या बोलते हैं? आज जान लेते हैं। लाइफ क्या दिखा रही है? ठीक है। आज प्रभु क्या दिखाना चाहते हैं वो देख लेते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं वो ठीक है। आइए देखते हैं प्रभु की प्रेजेंस में हमको अपनी क्या रेवलेशन मिलती है। वेट। मैं सब बोलो वेट। जो लोग गॉड का वेट करते हैं, गॉड की प्रेजेंस का वेट करते हैं, जो लोग गॉड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो हमेशा एक नई स्ट्रेंथ के साथ वापस आते हैं। सोच के देखो, तुमको लोगों ने खारिज कर दिया। कई लोगों ने तुमको देख के बोल दिया तुम्हारे जीवन से कुछ अच्छा निकल ही नहीं सकता। कई लोगों को बोल रहे तुम्हारा टाइम ओवर हो गया। तुम बोलो नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए हमको। आई विल वेट अपॉन द लॉर्ड। तुम ओके, क्या आपको अपने लाइफ में एक जबरदस्त पलट चाहिए, जबरदस्त चेंज चाहिए? हैं? क्या आप आज तक लोगों ने जो आपके बारे में बोला है आप सबको नकार देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आप एक नए फोर्स से लाइफ के आगे बढ़े? वेट ऑन द लॉर्ड। क्या आपने सब कुछ कर लिया है? देन वेट ऑन द लॉर्ड। वेट ऑन द लॉर्ड। ले तुम सोचो, सोचा हम लोग यहां बैठे और कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया। एक बार होगा ना कौन आया। सोचो तुम बैठे हो और गॉड तुम्हारी लाइफ में ऐसे एंटर कर रहे हैं। योर लाइफ कैन नेवर बी द सेम। सी देखो, लोग ऊंचा क्यों जाते मालूम है? इससे फर्क नहीं पड़ता तुमको कौन जानते, तुम किसको जानते हो, बहुत फर्क पड़ता है। हमको भूत जानते नहीं, हम प्रभु को जानते हैं। तुम सोच के देखो, अभी इस हम लोग खड़े हैं और गॉड यहां आ जाए तो तुम चाहते हो गॉड तुम्हारी लाइफ में ऐसे एंटर करे? तभी तो उड़ाओ पुत्र अपनी घटी कमी से उस पिता के पास गया। जब वो उसकी प्रेजेंस में गया, घटी कमी गॉन, लाइफ चेंज। तो सो तुम्हारी प्रॉब्लम सब जगह से निकल के भागेगी। कहीं अपना कपड़ा भी भूल जाएगी, अपना बैग वैग सब भूल के तुम्हारी प्रॉब्लम सब जगह से भागे। क्यों? एंटर गॉड। सोच के देखो, आज तुम जब घर जाओ, ठीक है, ये महीना, ये साल का समय सोचो, जब इस कैलेंडर ईयर का एंड है, तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन अचानक से तुम्हारी लाइफ में गॉड एंटर कर रहे। योर लाइफ कैन नेवर बी द सेम। आई मीन तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया है ना, सारे हाथ पांव मार। देखो मैं ऐसी बोलता, चर्च में ऐसे लोग नहीं आते, सब जगह हार के आ गए, बट देन असली जीत तभी है व्हेन गॉड एंटर्स इन यू। वो ग्लोरी का स्टार्ट होता है जब कोई अपनी लाइफ गॉड को देता। यू आर, तुम्हारा अब तुम पोजिशनड हो, तुम्हारे अधिकार है कि तुम पिता की प्रेजेंस में जा सकते हो। ओके, कितने लोग चाहते हैं आज उनकी सिचुएशन में गॉड एंटर कर जाए? वेट, प्रभु का इंतजार करो। मैं सब बोलो, मैं प्रभु का इंतजार करूंगा। आज मेरी लाइफ में गॉड एंटर करने वाले। मैं सोच के देखो, तुम अपनी लाइफ में इसे थोड़ा जगह बनाओ। मैं सब बोलो जगह बनाओ। जगह तब बनाते हैं जब तुम गॉड के लिए, गॉड को थोड़ी जगह, थोड़ा अकेले आओ, थोड़ा अकेले। कई लोग अकेलेपन से डरते हैं। डरो तो जिस चीज से लाइफ में डरते ना वही मिलता है। अगर तुम गॉड को जान लिए, अकेले रहने से नहीं डरोगे। आज कौन तुम्हारी लाइफ में एंटर कर रहे हैं? गॉड। बोलो मेरी लाइफ में गॉड एंटर करने वाले। बिकॉज फ्रॉम दिस डे आई विल वेट अपॉन द लॉर्ड। मैं प्रभु का इंतजार करूंगा।